नमस्ते, मैं अभिषेक। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ठीक उसी तरह चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जनपद के मोहंदाबाद ब्लॉक में, यानी कि मोहंदाबाद कस्बे में, मोहंदाबाद विधानसभा में। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घोसी लोकसभा का क्या माहौल है, देश का क्या माहौल है, प्रदेश का माहौल है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने बेरोजगारी पर बात करते हुए कहा कि मोदी योगी ने बच्चा ही नहीं पैदा किया और उन्होंने बेरोजगारी ख़त्म कर दिया, यानी कि न बच्चे रहेंगे न बेरोजगार रहेंगे। इस पर लेके जनता क्या बात कर रही है उसका रिएक्शन लेंगे। सर्वप्रथम जो निरहुआ का बयान, उस पर क्या कहेंगे आप? निरहुआ का बयान, एक तरीके से रोज़गार जो है सरकार दे रही है और लगभग सभी लोगों को रोज़गार मिल भी रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग केवल सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, न कि रोज़गार के पीछे। आजकल देखिए हर जगह रोज़गार, ठीक है पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने लायक हैं, जो सीटेट वगैरह निकाल रहे हैं, कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उस पर क्या कहिएगा? नो बच्चा नो बेरोजगार। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। जिसके पास बच्चे हैं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भारत जो है युवाओं का देश है। भारत में जो है ये कहा जाता है युवाओं का देश है, और ये सबसे तेज़ आगे बढ़ने वाला देश है आज की डेट में। ये होगा, हो सकता है कि उनकी कुछ कहने के पीछे कोई और मानसिकता रही हो, लेकिन तो बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये स्वाभाविक बात है, सभी लोग अपना वंश बढ़ाना चाहते हैं और सबका वंश बढ़ेगा। तो सांसद जी आप कह रहे हैं कि और हमारे योगी जी और माननीय मोदी जी की बात अगर हम करें तो उनके ऐसा तो कोई है ही नहीं जो त्याग पुरुष हैं। वो त्याग पुरुष है जो सब कुछ त्याग करके केवल अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जो चल रहे हैं, उनकी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। आते हैं फिर क्या कहेंगे निरहुआ का, जो नो बच्चा नो बेरोजगारी बोला। तो आप सपा के साथ होंगे? नहीं, सपा के साथ नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं। तो और अरविंद राजभर के साथ नहीं है? नहीं है, क्यों गाली दिए उन्होंने? गाली की टीस है। हाँ, गाली का टीस है। और वो बालकृष्ण चौहान, माफी, बाप ने गाली दिया बेटा माफी मांगेगा, ये कहाँ की माफी है? बाप माफी मांगे तो हम साथ हैं। सोचेंगे आप लोग माफी मांगे तो? हाँ, सोचे क्या, मांगे हो, सोचने की बात क्या है? हाँ। माफी मांगे ओम प्रकाश राजभर, माफी भी मांग लिए, कर नहीं मानेंगे हम अभी लोग। भैया हम लोग जीत रहे हैं, घोसी लोकसभा जीत रहे हैं, माफी भी मांगने से मान गए हैं कि पहले से? नहीं, हम लोग घोड़ा आ जाए, हाथी आ जाए, जैसे मतलब अपने सिंबल से जो आ जाए उनको हमको दे, किसी को दे देंगे। हाँ, हमने हमारे बीजेपी से जो आ जाएगा उसको दे देंगे। मतलब कुछ आप लोग सोचते होते नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम मोदी को देखते हैं, मोदी को देखते हैं। मोदी किसी को भेज दे हम लोग? हाँ हाँ, मतलब मोदी जो कहे सब सही। हाँ सब सही, मतलब जैसे निरहुआ कह रहे हैं कि नो बच्चा नो बेरोजगारी, नहीं हम उसमें कुछ नहीं बच्चा उससे सहमत नहीं है। देखिए निरहुआ बात समझ नहीं है, आप क्या कहिएगा, क्या समझ में आ रहा है? भैया सन्यासी है आप? अच्छा, आप तो अच्छा जाइए। हाँ देखिए यहाँ पर है, रुके इनसे बात करते हैं। देखिए चाचा है, चाचा है, गमछीधारी हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सपाई हैं आप? हाँ मैं तो सपाई हूँ। क्या माहौल है सपा का है भाई? संघर्ष सपा सपा कर रही है, असंघर्ष की है, संघर्ष ही सिर्फ पार्टी है, संघर्ष से करेगी कुर्सी भी पाएगी, हर मुद्दे पर लड़ती है, कुर्सी क्यों नहीं पाई है? जिताएंगे घोसी आप लोग? जी बिल्कुल जिताएंगे। अब भगवान दारित करे क्यों आज अमन को नहीं जिताओ जाए? अब भाई अब वो जाने उसके बारे में, लेकिन हम लोग 100% दावा कर देंगे हम लोग जिताएंगे। कैसे जिता देंगे? क्यों, तो जाति समीकरण सेट कर रहे हैं भैया, बता रहे हम लोग जाति समीकरण से नहीं चल रहे हैं। हाँ कैसे चल रहे हैं हम लोग? जाति समीकरण से उठकर ऊपर उठकर के हम लोग बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इसके इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। सरकार तो बेरोजगारी बात कर रही है? सरकार कहाँ बेरोजगारी पे बात कर रही है? हाँ। कहीं सुन रहे हैं आप मंच से भी, क्या नाम है, सरकार सरकारी बड़े बड़े जितने भी नेता हैं कहीं मंच से बोल रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी हमारे देश में नहीं है? आप केवल वो मुद्दा केवल मंदिर वाला चल रहा है, हम हमारे देश को मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जीत जाएंगे उसी से जीते हैं, जीत जाएंगे फिर? जीत जाएंगे तो अच्छी बात है, युवा युवा अपने बारे में समझेंगे। हम लोग युवाओं के बल पर चुनाव इस बार जीतेंगे। हाँ, घोसी में क्या समझ में आ रहा है, राजू राय कैसे उम्मीदवार हैं? घोसी में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार राजू राय हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं सपा के कुछ गुट नाराज हैं उनसे। ये तमाम तरह की बातें होती हैं, हर हर पार्टियों में तो बात होती है, लेकिन जब समय आता है तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो गए हैं सपा के? सभी इकट्ठे हैं, कहीं से विरोध किसी का नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं अरविंद राजभर एकदम दहाड़ रहे हैं एकदम। भाई वो तो कब्बा करेंगे लोग,
मैं भी तो कह रहा हूँ कि क्या नाम अरविंद राज भर दाड़ रहे हैं। दाड़ कैसे आप लोग जीतेगा? बिल्कुल जीतेंगे। कह रहे ना महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है, युवा बेरोजगार है। देखिए यहाँ पर कुछ युवा हैं, खड़े हैं, इन लोगों से बात करेंगे। देखिए देखिए युवा बेरोजगार, युवा पहले भाग रहे हैं, कैसे जीतेंगे? देखिए बोलने से भाग रहे हैं। नहीं दादा दादा देखिए यहाँ पर युवा हैं। देखिए आइए, क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर भाई, क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? क्या मैं क्या बताऊँ, अभी तो वोटर हैं कि नहीं? अभी तो नहीं हूं। इस बार हो गए कि नहीं? अभी नहीं हूँ, अभी नहीं है। अच्छा क्या सुन रहे हैं घर के अगल बगल, क्या माहौल बन रहा है? क्या माहौल तो बढ़िया है अभी तो। किस कस पार्टी का बन रहा है माहौल? ओम प्रकाश राज भाई। ओम प्रकाश राज भाई का माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है आपको बाबू? क्या होगा वही होगा, जो राजभर वो हारे चाहे जीते हम लोग राजभर को ही देंगे। अच्छा आप राजभर हैं क्या? नहीं वो वाली बात नहीं है, हम लोग बीजेपी के जिताना चाहते हैं। मतलब वो किसी को पार्टी भेजेंगे वोट देने के लिए तो उन्हीं को वोट दिया है। आप मतलब बीजेपी वाले हैं कि राजभर वाले हैं? बीजेपी वाले हैं। अच्छा आप भैया राजभर वाले हैं? आप राजभर वाले हैं, ये देखिए राजभर वाले आप बीजेपी वाले हैं। तो उससे मतलब नहीं, मैं भी राजभर ही हूँ, वो बात नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे बीजेपी है ना तो हम लोग सोच मतलब बीजेपी के वोट देंगे। अच्छा ओम प्रकाश राजभर कैसे नेता हैं? वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया रहते हैं। तो कभी सपा में चले जाते हैं? बात बोलते हैं, कर रहा बोलते हैं। तो कभी सपा में चले जाते हैं, कभी मंच से जाने लगते हैं? वो कौन नहीं जाता है, नहीं मंच से कर जाने लगते हैं। अरे तो थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है, गलतियाँ थोड़ी होती है। क्या कहिएगा जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे माफी मांगे गाली प्रकरण, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, आप उसको गलत मानते हैं सही मानते हैं गाली वाली? अरे वो जो गाली दे रहे हैं वो नहीं नहीं वो गाली मतलब कि गलत है पर। अच्छा माफी मांग लिए तो लोग समझ गए? ठीक है माफी मांग लिए, इतना बहुत है, समझ बहुत है। क्या सोच रहे हैं एकदम दुर्गा जी का लाखे लगा? कुछ नहीं, जो भी है हम लोग सोच रहे हैं बस बीजेपी जीते। हाँ बस इतना ही है, बीजेपी जीते, छड़ी छाप छड़ी छाप जीता दे। देखिए राजभर समाज के युवा हैं, जाति के हैं, का हो चाचा मार लस्सी मारता कि दही मारता? अरे भैया लस्सी बाबू, लस्सी एकदम ठंडाई है, ये मोदी की सरकार में मिला था। अच्छा मोदी सरकार की लस्सी है, वो में मोदी सरकार का कुछ है का? जरूर, अरे भैया के बात, चीनी महंगा सस्ता बा? अरे बाबू सस्ता बा तब ना पियाई होती है। अरे वाह वाह, क्या चुनाव का माहौल समझ में आता? माहौल की हमारी पार्टी जीत रही, भाजपा की, भाजपा जीत रही है एकदम एक तरफा। अरविंद राजभर कैसे उम्मीदवार बना? ये भैया सकलियत ना देखो ले कैसे बताइए, तो बिना सकल देखले वोट दे देवा? ऐसा ही हम वोटवा मारब को सकलिया पर मारब, पलटिया पर मारब, पलटिया पर हाँ सकल पर थोड़ा मारब, पालकी पर मारब भैया, छड़ी के मरवा कमल के। अरे भैया तुम सोचे कि दिलवा बतिया का बता दी तो बोला मनवा तू बाबू बता दी, सोचिए क्या रहे तो हमारा जब ईसन बात ना तो हमारा संसद जी से बगलिए में बात तो मिलके तब देखब तब हमारे बगलिए में सटले हुआ बाल किशन चौहान। अरे हम पिसा को जाए तब वो भेंट कर ले, कुल्ला का जाए तब वो भेंट कर ले, मतलब देखिए स्थानीय स्तर पर आप देखो गाजीपुर जिला जाए 200 रुपया तब जाए भैया। हाँ बहुत सही बहुत सही, अब 200 रुपया रही तब ना सच्चाई बता दे ला, सच्चाई दिली बा दिली बा। हाँ क्या हगाओ जाए मुताओ जाए तब वो भेंट कर ले बाल किशन चौहान से। हाँ मतलब कि बतियाबा कुछ और ओटवा कुछ और देवा? नहीं 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 दुगल पर नहीं, बात 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 किसके साथ? बाल किशन के साथ साथ मेरे घर के प्रत्याशी है वो। हाँ और ये कमल का हुई? कमल तो देखल जी बाद में ना। हाँ। तो जाए गाजीपुर तब देखो। हाँ। तब इंजीयत है। हाँ। मल्लिक बार गाजीपुर जाए ना। तो ये चचा ये बताओ तो हम प्रकाश राजभर के चुनाव हम जीता थे ना कर्रा से माफी भी मांग लिए? ये भैया कहले सोला कहले सोला। हाँ। कहले सोला हम लस्सी पे देखियो बेचारा ताकत हुआ। हाँ। तो जगह पैसा हुआ ना पी। हाँ। बोला भैया सही कहला बाबा सही है बिल्कुल देख भाई सोच ला देखल जला। अच्छा ए भैया ये चाचा तो कहता हूँ हाथी घर का बेटा, तू क्या सोचता भाई? अरे भैया कुल्ला के बहाने से भेंट कर ली। लेकिन भाई हमारा सिस्टम नेता वाला है। हाँ। ठीक ना, ये सांसद एक बार रह चुके हैं। हाँ। कितना क्या नाम है घोसी लोकसभा का विकास किए देख लिए हम लोग, देख लेना चाहिए तो काम का बात कर लेना। काम नहीं हुआ है घोसी विधानसभा? क्या घोसी विधानसभा में आज तक जो भी सांसद रहे हैं आज तक कोई सांसद काम नहीं किया है। हाँ। बस कल्पनाथ राय को छोड़ के। हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि राजभर जी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, 3 सब्जेक्ट से PhD किए हैं, 1 सब्जेक्ट से MA किए हैं। हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना नेता ऐसा बने। 3 सब्जेक्ट से PhD है? हाँ। कौन कौन सब्जेक्ट से? हिंदी संस्कृत। हाँ। और एक और सब्जेक्ट से है वो उसका नाम याद नहीं है, हिंदी संस्कृत से PhD है।
अच्छा, तो मतलब हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हम लोग के बीच में बैठे जी। हम लोग ये नहीं चाहते छोटा भी कार्यकर्ता हो तो छोटे कार्यकर्ता के पास, और जो राजभर जी हैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता, गरीब से गरीब कार्यकर्ता के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानियाँ सुनते हैं। तो हमें ऐसा अपने विधानसभा में नेता चाहिए। हमें चाचा कहा था कि वो नेता चाहिए जो आस पास मिल जाए, गाजीपुर थोड़ा जाए, वो भी मिलेंगे। आप उनको जिताइए, अगर वो ना मिले तो आप अगली बार भी 5 साल बाद ना मिलेगा तो आप बोलने के लिए रहेंगे। पढ़ा लिखल चाहिए नेता, पढ़ा लिखल, अरे ब्याज चला उठा छाप काम कर बाप, पढ़ लिखल ये बताइए, पढ़ा लिखल एक सवाल पूछो, अठन्नी चबे 900 रुपया जोड़ा कटो अब सब फिर जाइए कहा। तीन तीन गो सब्जेक्ट से PhD है, पढ़ा लिखल चाहिए। देखा बाबू जी जगह कल्पना डाल के तब सब कल्पना ना हो जाए भैया, कल्पना सब ना हो जाए, और जो कह दिया आपको कॉल कर माहौल यहाँ आगे सभी लोग आवाज जात रहे ना और सबका आशीर्वाद मिलत रहे ला केकर माहौल बना था। अब देखल जा समय के बाद है, आपके यहाँ तो पूरा समझ में आता होगा सभी लोग आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। भाई सभी लोग हमारे यहाँ आते हैं लोग, अभी तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सभी लोग आए, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया और हम तो अपने धंधे पे लगे रहते हैं। इसका लहर चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब लहर क्या आई कहा ना, आप पूछे ही लोग बताएंगे ना, अब तो हम लोग नेता व्यापारी व्यापारी नहीं बता रहे की आपका बड़े नेताओं संपर्क है, बहुत बड़े आदमी आप जी जी। दिल का बड़ा हूँ, बड़े आदमी नहीं हूँ। अच्छा, दिल के बड़े जी जी, प्रभावशाली भी जी जी। ये आप सभी लोगों का प्रेम और लोगों का मिलना, लोकसभा तो बहुत अच्छा है कि चुनाव इस बार बहुत बढ़िया से लोग करें, और यही निवेदन रहेगा कि 1 तारीख को सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और वोट जरूर करें, अपना नेता स्वच्छा जी 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 बिल्कुल। तो क्या लग रहा है जो आ रहे हैं लोग काम पे बात कर रहे हैं, खाली जाति वाला समीकरण से ट्रा को समझ आ रहा है। अब चुनाव भी काफी दूर है और इधर पहले चरण का भी चुनाव सब हो जाए तो उसके बाद देखा जाएगा, तब माहौल बनेगा। जी 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 जी। देखिए व्यापारी हैं, घुमा के बताएंगे, कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, हम लोग तो भाजपा कोट देते थे, यहाँ छड़ी आ गई है, छड़ी वाले का भरोसा नहीं है, रहेगा कहाँ लपड़ा है। क्या क्या कर प्रत्याशी बहुत बढ़िया है अरविंद राजभर जी, लेकिन उसका मालिक उसका बाप है, वो रहेगा कहाँ ये लफड़ा है। तो यहाँ तो प्रत्याशी इसमें हम लोग BJP के है जी, हमारा फोटो भी देखे, मनोनीत सदस्य भी है, कट्टर भाजपा ही है, कट्टर भाजपा ही, लेकिन राजी राव प्रत्याशी बढ़िया है, और इस समय हम लोग कुछ नहीं ज्यादा कहेंगे, लेकिन क्या प्रमाण है आपके भाजपा हैं, कुछ रखे हैं प्रमाण? देखिए मेरा भाई बैठा हुआ। अच्छा, ये तो मैं गवाही करा दूं, करता हूं के सभासद। अच्छा, BJP के सभासद है, मनोनीत सभासद है जी, और अब तक कमल को ही वोट दिए हैं, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़े लिखे आदमी के कुत्ता बिल्ली को मोदी कहेंगे तो नहीं वोट देंगे। मोदी का सीट बने अच्छा है, कुत्ता बिल्ली को पट्टा भेज देंगे, हम लोग गुलाम नहीं है, वो पार्टी बदल रहे हम भी बदल सकते हैं, प्रत्याशी बढ़िया है राजीव राय, चुनाव जीतेंगे भी। तो भाजपा वाले होकर के सपा को वोट करेंगे? करेंगे, सपा को नहीं राजीव राय को। अच्छा, सपा को नहीं देंगे, प्रत्याशी को, सपा को प्रत्याशी को देंगे, प्रत्याशी को दे रहे हैं ना। इतना क्या आपको लग गया ओम प्रकाश राजभर के बेटे से? वही, इनकी गारंटी कौन लेगा भाई, ये जाएंगे कहाँ, किसको कहेंगे, क्या गारंटी कौन लेगा इनकी? इतना दुखी है, माफ़ी भी मांग लिए हो तो माफ़ी ना, वो तो वोट मांगने के लिए हम लोग दुखते हैं, हम कॉलेज में चुनाव लड़े हुए हैं, लड़ाए हुए हैं, तो हम लोग ऐसे पोत के ये बहनी वटवा दे दिया है। नेता है, नेताओं की हुनर जानते हैं, जानता हूँ पूरा, तो हम क्यों गुलाम हैं, तुम बदल सकते हो, हम बदल सकते हैं, प्रत्याशी सबसे बढ़िया राजू राय है, चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं, कोरोना भी वो बहुत मेहनत किए थे, मदद किए थे ये, और इनके बारे में लोकल हैं, इनके बारे में नहीं कहूँगा। अच्छा, बालकिशन चौहान जी, ये कभी नहीं कहूँगा, कुछ मजबूरी घर के हैं, उठवा देंगे इनको? हाँ, नहीं, हम लोग तो मूड बना है कि राजीव राय को। क्या अच्छाई दिख जा रही राजीव राय में आपको? अच्छाई का मतलब कोरोना भी मदद किए, आके मिलते भी हैं, और फिर दल बदलू से बहुत दिक्कत हम लोगों को, दल बदलुओं से तो बहुत दिक्कत है, ये आदमी दल नहीं बदला, इसका भी पैसा था, अभी टिकट लेता कहीं जाके BJP में, कहीं दल नहीं बदला, ये बड़ी बात है। ये कांग्रेस में थे, गप से पैसा देकर वहाँ पहुँच गए। बता रहे हैं ये लोग राजभर जाति के लोग, बड़े अच्छे नेता हैं, काम उम करेंगे, जीतेंगे, तो कोई करा डबल नेता हैं, गारंटी आपको लगा रहेंगे कहाँ, हम उठवा दे दें। अभी एक भैया रहना कहता हूँ कि अरविंद ट्रिपल PhD हाँ, हाँ तो हम तो कह लिए ना, लेकिन वो तो अपने बाप के कब्जा में ना हुए,
अच्छा अरविंद अच्छे हैं? अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कमान उनके हाथ में नहीं जाएगी। उताउ चकवा उकवा कौन ठिकाओ का ऊ कटी ओम प्रकाश राजभर न, उनका गारंटी है ना। ओम प्रकाश बड़ा खफा हवा का बात खफा हम ना आई हम तौलल जाते भैया हमने पढ़ल लिखल है माई माई बाप हमन के पढ़ौले लिखौले में हम कट्टर बीजेपी वाला आदमी है कमल रह तो देखावल जात केहू आवा सारा छड़ी खड़ी ना पट्टी। अच्छा तो क्या करें भैया, आपको क्या समझ में आ रहा है? का चाचा ई कहत हूँ का सही कहत हूँ कुछ ऐसे ही माहौल बनाता हूँ? हाँ सही कहत हूँ, हाँ सही कहत हूँ। क्या आप लोग सोच रहे हैं? अब यहाँ साइकिल वाले हवा सब और का कहता हूँ, शायद यहाँ छड़ी वाले लोग रहना करो, छड़ी का माहौल टाइट है। कहाँ टाइट है? मोहम्मदाबाद में घोसी में। कहाँ टाइट है? वो राजू राज निकल जाए निकल है उनके और का। कमल का फूल छड़ी की साइकिल? अरे भाई कमल का फूल है, हम लोग हैं कमल फूल वाले हैं। अच्छा लेकिन यहाँ छड़ी बा? छड़ी बात तो शाखा वही ना है। हाँ चलिए ठीक है, छड़ी भी दिया जाएगा, छड़ी उधर दिया जाएगा। हाँ क्या लेकिन है तो क्या था साइकिल का माहौल बना था भाई माँ, हर मिजाज लोगों का दिमाग अलग 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 है। अब किसको कहाँ का करें, उनके ठेहुने लोग तो कहाँ करें, अब छड़ी लगा के अपन धीरे से ठेहुने लेके चले हैं, हमारे में ठेहुने थोड़ी लेते हैं। लेकिन ओटबा का ताकत तो हो रही है इतना उन्होंने पास मार दिया हवा तो कैसे का मतलब। अब छड़ी लिया तो अब ठेहुने लेके चले, हमारे साइकिल चलाओगे भाई ना। तो देखिए हम लोग इस समय है मौजूद घोसी लोकसभा के मोहम्मदाबाद विधानसभा के मोहम्मदाबाद बाजार में। मोहम्मदाबाद बाजार के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इसी तरह चुनाव की एक एक खबर ग्राउंड जीरो से जनता के बीच में दिखाएं। देखिए चुनावी माहौल है और लोग इसी तरह चुनावी चकल्लस करते हैं। चुनाव का रंग आपको देखना है तो चट्टी चौराहे बाजार में आपको मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे, अमीर गरीब से लेकर के आम जनता से लेकर के बड़े बड़े लोग। तो असल में चुनाव का माहौल यहीं पता चलता है, इसी तरह के चुनाव माहौल हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आपसे।